हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है, हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि सर क्रेनियल नर्व्स याद नहीं होती, उनके ऊपर कोई ट्रिक बनाइए। तो क्रेनियल नर्व को हम याद करते हैं, आज की हमारी ट्रिक होगी क्रेनियल नर्व को याद करने के लिए। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे अंदर, ह्यूमन्स के अंदर, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो उनका हमें सीक्वेंस याद करना होता है। सबसे पहले इसको याद करने का फंडा होगा O3 T2 AFA GVSH। ठीक है, आप बार बार इसे रिपीट कीजिएगा, आपको जरूर याद जाएगी। O3 T2 AFA GVSH, O3 T2 AFA GVSH। अब ये कैसे याद करते हैं हम, सबसे पहले हमारी होती है ये तीन ओ लिखेंगे, फिर उसके बाद में दो टी, फिर उसके बाद में AFA और लास्ट में GVSH, GVSH। ओ से ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर, फिर उसके बाद में ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल और ये हो गई आपकी ऑडिटरी। ऑडिटरी फिर उसके बाद में आपकी हो गई ग्लोसोफेरिंजल, वेगस, ये हो गए आपके स्पाइनल एसेसरी। और ये हो गई आपकी हाइपोग्लोसल। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 12 क्रेनियल नर्व्स। अब इसमें ये जो है हम इसे याद कर सकते हैं, इससे O3 T2, तीन हो गई ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, T2 यानी कि ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, फिर उसके बाद में AFA, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, GVSH, GVSH, ग्लोसोफेरिंजल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लोसल। इसमें अब हमें याद करना होता है कि कौन सी वाली हमारी जो नर्व है, क्रेनियल नर्व, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, एक बात मुझे बताइए आप, क्या आपको पता है कि आप हमारे जो हेड है, मतलब हमारा जो क्रेनियम वाला पार्ट है या फिर हमारा जो स्कल है, उस स्कल के अंदर आपको कौन कौन से ऐसे सेंसरी ऑर्गन दिखेंगे, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, जिनके आप इनमें इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एक तो हमें पता है कि सबसे पहले स्मेल का, ओल्फेक्शन, ठीक है। दूसरा, हम जो देखते हैं आंखों से, देखने का, कौन सी सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व। फिर उसके बाद में हमारा सुनने का, तो सबसे पहले हो गया हमारा सूंघने का, फिर उसके बाद देखने का और सुनने का। इनके लिए जो हमारी नर्व होती है, देखने सूंघने के लिए आपकी हो गई फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फिर उसके बाद में देखने के लिए आपकी हो गई सेकंड क्रेनियल नर्व और लास्ट में सुनने के लिए आपके पास में हो गई 8th क्रेनियल नर्व, जिसे हम कहते हैं कौन सी, ऑडिटरी। ठीक है, तो सेंसरी के लिए आपके पास में हो गया कौन सा, 128, 128। एक और बात है, एक और सेंस ऑर्गन भी होता है हमारे पास में, जो कि आपका स्कल के अंदर होता है, उसका नाम क्या होता है आप बता सकते हैं, टंग। यस, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं टंग के अंदर। तो टंग को जो सप्लाई करती है वो जो नर्व होगी, वो एक एक अकेली नर्व सप्लाई नहीं करती, उसमें दो नर्व सप्लाई करती हैं। ठीक है, एंटीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व एंड पोस्टीरियर 1/3 इज सप्लाइड बाय ग्लोसोफेरिंजल नर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि टंग के हो गए आपके, ये वाली फेशियल नर्व टंग को सप्लाई करेगी फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मोटर की कौन सी होती है और मिक्स्ड नर्व कौन कौन सी होती हैं।
तो एक बात आप याद रखेंगे कि मोटर की जो मेनली जो तीन नर्व है यहाँ पर, वो बस खाली आँख को ही सप्लाई कर रही होती हैं। एक होती है आपकी, इसके नाम में ही आ रहा है, ओक्यूलो मोटर, ठीक है। दूसरी आ गई आपकी ट्रोक्लियर, और तीसरी आ गई आपकी एब्यूसेंट, ठीक है। तो मोटर का मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोटर सप्लाई, तो ये हो गई आपकी थ्री, ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन और ट्वेल्व, ठीक है। तो इसके बाद में, हाँ, मोटर वाली कौन सी हो गई हमारी, एक तो ओक्यूलो मोटर यानी कि थर्ड नंबर की, दूसरी होगी आपकी ट्रोक्लियर फोर्थ नंबर की, फिर उसके बाद में आपके पास में हो गई कौन सी वाली, एब्ड्यूसेंट सिक्स नंबर की, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में हो गई दो और हैं यहाँ पर, 11 और 12 लास्ट वाले दोनों, ठीक है। तो 3, 4, 6, 11 एंड 12 ये नर्व जो है वो मसल्स को सप्लाई करती है फॉर देयर मोटर फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बची हुई नर्व हैं यानी कि मिक्स्ड होंगी, वो कौन सी होंगी, मिक्स्ड। तो ये कौन कौन सी हैं, मिक्स्ड में आपकी बची हुई आ गई कौन सी, सबसे पहले आप 5 नंबर को याद रखिए, मिक्स्ड के लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। 5 के बाद में इसका डबल कीजिए 10, ठीक है। और इनके बीच में जो बचे हुए ओड नंबर हैं 5 और 10 के बीच में, उनको लिख दीजिए। तो 5 और 10 के बीच में आ गए आपके 7 एंड 9, ये आपकी हो गई ट्रिक इसको याद करने की, मिक्स्ड वाली। मिक्स्ड आप 5 को याद कीजिए, 5 को डबल कर दीजिए 10, 10 और 5 के बीच में जितने भी ओड नंबर आ रहे हैं उनको लिख दीजिए 7 और 9। तो ये आप हो गई आपकी क्रेनियल नर्व्स के बारे में। एक और बात मैं यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको बता दूँ, अभी जो मैंने आपको बताया कि आई बॉल यानी कि आई के लिए जो हमारी मोटर सप्लाई है नर्व की, आपको आई की मसल्स के बारे में पता होगा, ये हमारी आई बॉल है, ठीक है। इस आई बॉल को बीच में बना दिया मैंने, तो आई बॉल को जो सप्लाई करती है जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती हैं मेनली, वो होती हैं आपकी 6, एक सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी नोज़ है, ठीक है, तो ये वाली हो गई यहाँ पर आपकी मीडियल रेक्टस, और ये हो गई आपकी लेटरल रेक्टस। तो 4 ये रेक्टस मसल होती हैं, और 2 मसल होती हैं आपकी, एक होती है सुपीरियर ओब्लीक और एक हो गई आपकी इन्फीरियर ओब्लीक, ठीक है। तो ये जो अभी हमने बात करी ओक्यूलोमोटर नर्व की, ओक्यूलोमोटर जो नर्व है आपकी, ये सप्लाई करती है मोस्ट ऑफ दी मसल ऑफ आई बॉल, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को ये मोस्टली सप्लाई करती है, जिसमें, और जो दूसरी है हमारे पास में ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंट। एक बात याद रखिएगा, एब्डक्शन आप आगे पढ़ेंगे, एब्डक्शन मतलब हमें आई बॉल का मूवमेंट करना है टूवर्ड्स द लेटरल साइड, बाहर की तरफ को, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो हमारी, आप अगर आई बॉल की, अगर आपकी आई सामने और आप इसको बाहर की तरफ, इधर की तरफ को मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं एब्डक्शन। तो एब्डक्शन में हमारी कौन सी वाली मसल हेल्प करेगी, वो होगी आपकी लेटरल रेक्टस। तो ये लेटरल रेक्टस मसल क्या करेगी, आई बॉल को बाहर की तरफ मूव कराएगी। तो इसको जो सप्लाई करेगी, इस वाली मसल को सप्लाई करेगी, वो होगी आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व का कैसे याद रखेंगे, हमारे यहाँ पर एक ट्रोक्लिया होता है, ये सुपीरियर ओब्लिक मसल इज ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया इज लाइक अ पुली लाइक स्ट्रक्चर, जिससे ये नर्व जाती है कुछ इस तरीके से घूम के, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नाम क्या रख दिया, ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो ये भी आई बॉल की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये तीन मसल हैं जो कि एक्स्ट्रा ओक्यूलर, ये तीन नर्व हैं जो कि एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को सप्लाई की जाती, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है, मोटर सप्लाई के लिए होती हैं ये। फिर उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं,
जो पेपर में लगातार पूछी जा चुकी हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ, शायद से आपकी हेल्प ही हो जाए आपको। कुछ डेट्स को याद करने में मुश्किल ज़रूर आती होगी, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब आता है, ठीक है, ओजोन डे कब आता है, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, टोबैको डे कब आता है, वर्ल्ड टोबैको डे। तो इनको याद करने के लिए कैसे आप याद कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे कैसे याद करेंगे, सपोज़ कीजिए कि आपका जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, आपके हेड, अगर ब्रेन आपके अच्छा अच्छा सोचता है तो अच्छा है सब कुछ, और अगर ब्रेन में सब कुछ ख़राब चल रहा है तो आपका पूरा एनवायरनमेंट ख़राब है। इसी तरीके से हमारा जो ये जो सर है, इस पूरे सर का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब कर रखा है कि इन्होंने, पाँच जुओं ने। किसने ख़राब कर रखा है? जी हाँ, पाँच जुओं ने। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किसने ख़राब कर रखा है? पाँच जुओं ने हमारे सर का एनवायरनमेंट, और पाँच से आपका बना फाइव, जून, जून मतलब जून। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लेके आई थी, या फिर एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो इस स्लोगन को कुछ एनिमल्स ने गलत इंटरप्रेट किया, और इस दो को उन्होंने क्या समझा, हम दो हमारे दो, दो कुछ इस तरीके से लिखा था उसमें स्लोगन में, ठीक है। तो इस दो को कुछ एनिमल्स ने गलत समझ लिया, और उसमें से एक एनिमल का नाम था जूली, जूली नाम की एक बिच थी, ठीक है, डॉग, जिसने इसको गलत समझा, गलत इंटरप्रेट करा, और उसने क्या करा, पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इस दो को उसने 11 समझ लिया और उसने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये किसने बढ़ाई? जूली ने। तो 11 जूली नहीं, जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और है जो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक पूछा गया था कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो ओजोन, ओ जोन, ठीक है, ओजोन, ओजोन क्या है, एक तरीके से आप इस ओजोन को मतलब समझिए सिक्योरिटी के टर्म में, ठीक है, ओजोन लेवल तक की सिक्योरिटी है अगर कहीं पर, तो इसको ओजोन को हम क्या समझेंगे, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, ठीक है, ओजोन तक की सिक्योरिटी है। तो ओजोन मतलब सबसे पहले ए जोन आई होगी, फिर बी जोन, सी जोन, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जे, के, एल, एम, एन और ओ, ओ जोन के बाद में आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 15 के बाद में आपको एंट्री मिलेगी 16th नंबर पर। तो 16th तो डे फिक्स हो गया आपका कि ओजोन डे 16 डेट को मनाया जाता है। अब उसके बाद में हम याद करेंगे मंथ कौन सा होगा। तो मंथ आपका यहाँ सिक्योरिटी में छुपा है। आप याद कीजिए कि जनवरी फरवरी में कौन सा ऐसा मंथ है जो कि एस से शुरुआत होती है, जिसकी बताइए। जी हाँ, सितंबर। ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 16th ऑफ सितंबर को। फिर एक लास्ट और है, एक और बता देता हूँ। और अगर आप बच्चों की कोई भी रिक्वेस्ट हो कि सर हमें ये याद नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे पेपर से पहले उसकी ट्रिक जरूर आपको बना कर दे दें। एक है टोबैको डे, नो टोबैको डे, है ना, नो टोबैको डे, ठीक है, नो टोबैको डे। ये आपका, इसको याद करने का तरीका ऐसे होगा, हमें पता है कि जो ये जो जितने भी टोबैको हैं या फिर जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे ब्रेन के स्टिमुलेंट हैं, यानी कि जो भी मतलब एडोलेसेंट एज में इनकी इनकी लत लग जाती है बच्चों को, ठीक है। तो एडोलेसेंट एज में इनकी लत लग गई, लेकिन एक एज आती है जिसके बाद में अगर इनका यूज़, वैसे तो एडोलेसेंट में भी नहीं इनकी लत लगनी चाहिए, लेकिन अगर लग जाती है तो इस एज तक इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब 31 मई इसे ख़त्म कर देना चाहिए। 31 मई, अब यहाँ से याद हो जाएगा आपको, 31 मई, मई नहीं है वो मई है, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी आपको डेट्स याद कराने की।
दोस्तों एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे देखी है, वो मुझे थोड़ा सा परेशान तो करती है कि आप लोग क्या करते हैं, पेपर का आपका टाइम चल रहा है और आप ना फालतू की वीडियोस में जो कि आपको बस ये बता रहे हैं कि 15 दिन में कैसे पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म कीजिए, 16 दिन में क्या 10 दिन में कैसे सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको भटका रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल तो हो नहीं सकता। अब आप क्या करते हैं, उनकी वीडियोस को देखने में बहुत बहुत अपना टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, अपने पेपर पर फोकस रहिए और ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज़ को याद आपको करने में परेशानी हो रही है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।